हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 7 की कविता ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। अपने ब्लैक बोर्ड पर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। आइए पढ़ते हैं। ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, अपने ब्लैक बोर्ड पर मैं बना सकता हूँ। वन लिटिल हाउस विद वन ग्रीन डोर, एक हरे रंग के दरवाजे वाला एक छोटा सा घर। टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, बाहर की तरफ खुलने वाले दो भूरे रंग के गेट। थ्री रेड स्टेप्स दैट लेड इनसाइड, तीन सीढ़ियां जो आपको अंदर लाती हैं। फोर लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट, और चार छोटी चिमनियां जो सफेद रंग की होंगी, सफेद पेंट होगा जिन पर। फाइव लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट, पांच छोटी चमकदार खिड़कियां होंगी। सिक्स येलो मैरीगोल्ड्स स्ट्रेट एंड टॉल, और छह गेंदे के सीधे लंबे से फूल होंगे। ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल, जो दीवार के साथ साथ बढ़ रहे होंगे। तो ये कवि की कल्पना का घर है जो वो ब्लैक बोर्ड पर अपनी क्लास के श्याम पट पर बना सकता है। तो बच्चों, कैसी थी ये छोटी सी कविता? अब आइए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन, जो दिया हुआ है पेज नंबर 106 पे। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, आइए उनके आंसर लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोयम, इस कविता में जो घर है उसमें कितनी खिड़कियां हैं? आंसर इज देयर आर फाइव लिटिल विंडोज इन द हाउस, घर में पांच छोटी खिड़कियां हैं। क्वेश्चन नंबर टू, वेयर डू द मैरी गोल्ड्स ग्रो, गेंदे के फूल कहाँ उगते हैं? आंसर इज द मैरी गोल्ड्स ग्रो अगेंस्ट द वॉल, मैरी गोल्ड्स गेंदे के फूल दीवार के सामने उगते हैं। नेक्स्ट है लेट्स राइट, जो दिया है पेज नंबर 107 पर। दीज आर टू रूम्स ऑफ द हाउस, इस पेज पर घर के दो कमरे बने हैं। कलर देम, आपको उन्हें कलर करना है, उनमें रंग भरना है। बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी कंप्लीट द पैराग्राफ्स, और फिर इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें रंग भरा हुआ है। ऐसे ही आपको भी अपनी किताब में दी हुई पिक्चर में रंग भरना है। अब आइए पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। दिस इज माई बेडरूम, ये पिक्चर किसकी है? मेरे बेडरूम की है, शयन कक्ष की है। इट हैज वन विंडो, इसमें एक खिड़की है। द कलर ऑफ माई बेड इज ब्लू, मेरे बेड का रंग नीला है। देयर आर थ्री पिक्चर्स ऑन द वॉल, और दीवार पर तीन तस्वीरें हैं। तो इस तरह से बच्चों आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे और पिक्चर में कलर करेंगे। अब आइए सेकंड पिक्चर कंप्लीट करते हैं। सेकंड पिक्चर है लिविंग रूम की, आप इस पिक्चर पे कलर करेंगे जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। नाउ कंप्लीट करते हैं पैराग्राफ को। दिस इज अ लिविंग रूम, इट हैज अ सोफा सेट, ये लिविंग रूम है, बैठने का कमरा है। यहाँ पर एक सोफा सेट है। वी वॉच टीवी हेयर, हम यहाँ पर टीवी देखते हैं। इट हैज टू कर्टेन्स, इसमें दो पर्दे हैं। इट हैज अ राउंड टेबल, और इसमें एक गोल मेज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेज नंबर 108 पर। यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है और क्लूज भी है, आपको उन्हें कंप्लीट करना है। पहली तस्वीर में जो कीड़ा दिख रहा है, आपको क्या लिखना है? ही इज एज बिजी एज अ, क्या लिखेंगे यहाँ? बी, ये मधुमक्खी की तरह बिजी है, व्यस्त है। सेकंड पिक्चर, राज इज एज स्लो एज अ स्नेल, राज इतना धीरे है जैसे कि स्नेल। नेक्स्ट, दिस पेन इज एज लाइट एज अ फेदर, ये पेन पंख की तरह हल्का है। माय हेयर इज एज ब्लैक एज स्काई, मेरे बाल आसमान की तरह काले हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप इन ब्लैंक्स को अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। अब आइए करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 109 पर। फाइंड द राइट सेंटेंस,
सही सेंटेंस का पता लगाना है। रीड द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो, नीचे वाक्यों का जोड़ा है जिन्हें आपको पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेकेंड सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड इन रेड। सेकेंड वाले सेंटेंस में जो खाली स्थान है उसमें आपको पहले सेंटेंस में जो लाल रंग से शब्द लिखा है उसका अपोजिट लिखना है। तो आइए करते हैं बच्चों। फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट, लड़का बहुत तेज दौड़ रहा है। इसमें लाल रंग से क्या लिखा है? फास्ट। तो सेकेंड ब्लैंक में इसका अपोजिट लिखेंगे स्लो, SLOW, स्लो। द बॉय इज वॉकिंग वेरी स्लो। अब नेक्स्ट पिक्चर है एक जोकर की। द क्लाउन इज वेरी हैप्पी, जोकर बहुत खुश है। रेड कलर से लिखा है हैप्पी, तो ब्लैंक में भरेंगे सैड। द क्लाउन इज वेरी सैड, जोकर बहुत दुखी है। थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हैं एक लड़की रस्सी पर चल रही है। द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ लूज रोप, लड़की ढीली रस्सी पर चल रही है। अब रेड कलर से लिखा है लूज, तो सेकेंड वाले ब्लैंक में भरेंगे इसका अपोजिट, क्या हो गया? टाइट, TIGHT, टाइट। द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, लड़की टाइट रस्सी पर चल रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज दी है पेज नंबर 110 पर। चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग ES, IES और VES। आपको ES, IES या VES लगाकर सिंगुलर को प्लूरल बनाना है, एक वचन से बहुवचन करना है। आपके पास तीन एग्जाम्पल्स हैं जो पहले से किए हुए हैं। बफेलो, बफेलोस, बेबी, बेबीज, नाइफ, नाइव्स। आइए करते हैं बाकी सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं। हीरो, हीरोज, पोटैटो, पोटैटोज, फ्लाई, फ्लाइज, लेडी, लेडीज, वुल्फ, वुल्फ्स, लोफ, लोव्स। यहाँ पर जो दो वर्ड है ये ओ में एंड हो रहे हैं, तो इनके लास्ट में क्या लगा है? ई एस, और इसका हमने प्लूरल बनाया। ये दोनों वर्ड्स वाई में एंड हो रहे हैं, तो वाई को हम रिप्लेस करेंगे आई ई एस से और इसका प्लूरल हो जाएगा। वो वर्ड जिनके लास्ट में एफ है उनका प्लूरल करने के लिए हम एफ को हटाकर वी ई एस लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।